इस वीडियो में आपको इस मदरबोर्ड की दो सेटिंग के बारे में बताया गया है। एक है मिरर का, जो कि जब हमारा पिक्चर उल्टा आता है, और सेकंड है जब पावर मान लीजिए ऑन करते हैं टीवी को तो बार बार रिमोट की ज़रूरत पड़ती है स्टैंड बाय रिलीज करने के लिए। उसे ऑटोमेटिक कैसे सेटिंग करें, उसे हम आज इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे नए जो मदरबोर्ड कम्बो बोर्ड आ रहे हैं मार्केट में, उसमें कुछ सेटिंग ऐसे हैं कि मेनू में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, जो कि इसमें क्लियर बताया गया है कि वो ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, किस जगह मिलेगा, उसे कैसे सेट करेंगे। तो देखें, अभी जो कम्बो बोर्ड इंस्टॉलिंग किया गया है, यानी जो इसमें लगाया गया है, इसका ये जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगा जब आप नया कोई कम्बो बोर्ड लगाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि ये जो उल्टा आ रहा है, तो इसमें आपको यहाँ पे इसके सर्विस मेनू में जाना होगा। तो सबसे पहले हम आपको इसकी पिक्चर दिखाते हैं। तो उसके लिए इनपुट, अब यहाँ पर देखिए इसे ऑन कर दिए। ऑन करने के बाद ये पीसी मोड पे है और ये उल्टा आ रहा है, यानी सीधा पोजीशन ये है। इसके लिए पहले इसके पिक्चर को देख लेते हैं। तो इनपुट पे हम जाएंगे और यहाँ मीडिया पर जाएंगे। मीडिया पे ओके करेंगे। यहाँ पे इसे ओके कर देंगे। इसे ऊपर कर लेते हैं, यानी ये पूरा में लाने के लिए यहाँ पे इस बटन का यूज करना होगा। अभी इस तरीके से ये पूरा आ गया। अभी यहाँ पे पहले इसके आवाज़ को स्लो करते हैं। और यहाँ पे इनपुट इनपुट 208 यहाँ पे खुल गया। अभी ये ऐसे पलट लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको मिरर ऑप्शन में जाना है, तो इसके लिए ये जैसे वर्जन लिखा हुआ है, अब यहाँ पर लाइए इसको फंक्शन पे ऐसे, फिर बीच वाले से ओके करें, फिर ओके हो गया, फिर ये पैनल सेटिंग है, फिर ये बीच वाला ओके करें। पैनल सेटिंग में देखें मिरर कहाँ पे है, तो ऐसे आएंगे तो मिरर देखिए यहाँ पे ऑफ है। फिर इसको ऐसे इस वाले बटन से ऐसे नीचे लाएं मिरर पे, ठीक। अब यहाँ पे आ गया, अभी इसे प्रेस करते हैं। अब देखिए ये इधर हो गया। अब इसको ऐसे यहाँ पर, अब इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है एकदम सीधा है और ये यहाँ पे आपके एंगल पे आ गया है। अब यहाँ पे मेनू को दबा दें और बैक आ जाए। अब यहाँ पे वॉल्यूम को बढ़ा कर देख लें, ठीक, ओके। अब इसमें देखिए जब बार बार रिमोट जैसे ना ज़रूरत पड़े, यानी अपने आप ये टीवी ऑन हो जाए, जैसे देखिए यहाँ पे हम इसको बंद करते हैं और फिर ऑन करते हैं, तो ये स्टैंड बाई यहाँ पर देखें ये जल गया। तो बार बार रिमोट से ये ऑन करेंगे तब ये ऑन होगा। अब आपको ये मोड ऑन करना है कि ये अपने आप ऑन हो जाए जैसे लाइट आए, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सर्विस में जाएँ। सर्विस में जाने के लिए आपको इनपुट 208 यहाँ पर जाएंगे, इसके बाद इस यहाँ पे आए इस ऑप्शन पे, यानी ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, फिर यहाँ पे 20 से इसे ओके कर लें
और ओके करने के बाद यहाँ पर पावर देखिए कहाँ पे है, ये यहाँ पे पावर सो लोगो वाला है और ये एसी ऑटो पावर। अब ये जो ऑफ है इसे ऑन कर दें, यानी ये पहले इसको यहाँ पर लाएं। आ गया है यहाँ पे, अब ये गुलाबी कलर हो गया। अब यहाँ इस वाले से बटन से इसे देखिए ये ऑन हो गया। अब इसे हम ऑफ कर देते हैं बैक जाके, फिर ऑफ कर देते हैं, फिर ये ऑन कर दें। अब देखिए ये ऑन हुआ। अब इसे फिर से सप्लाई कर देंगे, मान लीजिए ऐसे ऑन हुआ। अब ये देखिए जला, अब अपने आप ही ऑन हो गया, अब ये रिमोट की ज़रूरत नहीं है। तो उसे जब ऑफ करेंगे तो आपको इससे या ये बटन से ऑन करने होंगे, और जब ऑन कर देंगे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन बंद आप कर सकते हैं यहाँ से ऐसे स्टैंड बाय।